इस वीडियो में हम समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट। मान लीजिए कि एक मेटालिक कंडक्टर है मेटालिक कंडक्टर एक वायर सॉलिड रॉड या फिर मेटल प्लेट की फॉर्म में हो सकती है मेटालिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कंडक्टर में फ्री मूव कर सकते हैं लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स अपने आप यानी सेल्फ मूव नहीं करते अब मान लीजिए कि मेटालिक कंडक्टर के एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे एंड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे साथ ही सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच भी कनेक्ट करेंगे जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होते हैं इन दो फोर्सेस के कारण इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं यह डायरेक्शन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होती है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो के कारण करंट जनरेट होता है और इस करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होती है इलेक्ट्रिक करंट को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन पर यूनिट टाइम इन अदर वर्ड्स इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस मान लीजिए कि नेट चार्ज Q है ये नेट चार्ज टाइम t इंटरवल में कंडक्टर के अक्रॉस फ्लो करता है करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम करंट की ऐसा यूनिट एम्पिया होती है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे इलेक्ट्रिक करंट को मेशर किया जाता है उसे एम्बिटा कहा जाता है यहां हम देख सकते हैं कि एक बल्ब स्विच बैटरी और एमेटा को सीरीज में कनेक्ट किया गया है इस कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक करंट के पथ को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल